is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. पूर्वांचल की महामारी कहा जाने वाला जापानी इंसेफ्लाइटिस या जिसे हम दिमागी बुखार कहते हैं, हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत का सबब बनता जाता था। लेकिन इस साल जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों की बात करें तो इस बार इंसेफ्लाइटिस से मरीजों की संख्या में 35% और इससे हुई मौतों की संख्या में 63% की कमी आई है। दरअसल जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर हर साल सैकड़ों मासूमों की जान ले लेता है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी भी था। पूर्वांचल की महामारी को लेकर खूब जमकर राजनीति भी हुई। एक वक्त था जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज कांड के बाद पूरा विपक्ष भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर हो गया और इस पर जमकर राजनीति की गई। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उसका एक सकारात्मक असर देखने को मिला। जी हाँ, दरअसल पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस से हुई मौतों का आंकड़ा हजारों में होता था, मगर इस साल इस बीमारी की वजह से बहुत कम लोगों की जाने गई हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ इस तरह से हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस का आंकड़ा है, साल 2016 में 442 मरीज थे जिसमें से 64 लोगों की मौत हो गई थी। 2017 में 692 मरीज जिनमें से 93 लोगों की मौत हुई। 2018 में 329 मरीज जिसमें से 30 लोगों की मौतें हुई। 2019 में 55 मरीज जिसमें से 4 लोगों की मौतें हुई। दरअसल ये आंकड़ा 2019 से 27 अगस्त तक का है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का आंकड़ा है, साल 2016 में 3911 मरीज जिनमें से 641 लोगों की मौतें हुई। 2017 में 4724 मरीज जिसमें से 655 की मौत हुई। 2018 में 3077 मरीज जिनमें से 248 की मौत हुई। और वहीं 2019 में 890 मरीजों में से 34 की मौत हुई। यह आंकड़ा 2019 के 27 अगस्त तक का है। उत्तर प्रदेश के लगभग 38 जिले दिमागी बुखार की गिरफ्त में हैं, जिसके लिए सरकार दस्तक अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जरिए नोडल स्वास्थ्य विभाग सहित 12 सरकारी विभागों और कई विश्व स्तरीय सामाजिक संस्थाओं जैसे WHO, यूनिसेफ और पाथ जैसी संस्थाओं की मदद से जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इतना ही नहीं, संचारी रोगों से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं सरकार ने 40 लाख बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा। इंसेफ्लाइटिस से मौतों और मरीजों की संख्या में आई कमी से जहां बीजेपी एक तरफ अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए सरकार के कदम की सराहना की जाती है, लेकिन सरकार को डेंगू जैसी घातक बीमारियों से निपटने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी राजधानी में हाल ही में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। तो बेहतर होगा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाना छोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश करे और सभी प्रकार के संचारी रोग पर नियंत्रण करे, जो कि अभी दिख नहीं रहा। और आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी सरकार का प्रयास अभिनंदनीय है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, जिसको असाध्य माना जाता था, उस पर पूरी तरह से लगभग नियंत्रण पाया जा चुका है। उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां इस जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से ज़्यादा मौतें होती थी, उन एरियाज में स्वच्छता कार्यक्रम से लेकर जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे उनको पूरी मजबूती के साथ लागू किया गया और उसका परिणाम हुआ कि आज आप बता रहे हैं कि 65% उस पर नियंत्रण पाया जा चुका है। और अगर पूर्व की सरकारों ने अगर इस पर कोई ध्यान दिया होता तो मुझे लगता है अब तक इस पर पूरा नियंत्रण पाया जा चुका होता। देखिए, अभी जापानी इंसेफ्लाइटिस का पूरा समय गया नहीं है और इंसेफ्लाइटिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका हमेशा ये होता है कि एक साल ये बहुत तेज़ी में आता है तो दूसरे साल ये अपने आप कम हो जाता है, फिर तीसरे साल इसकी तेज़ी बढ़ती है। तो अभी इतनी जल्दी कहना इस पर कोई बहुत उचित नहीं होगा, समय पूरा हो जाने दीजिए और केसेस कम आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने इस पर काम किया है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन अभी कई और भी रोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं, डेंगू इस समय बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, लखनऊ में भी अनेकों केस डेंगू के आए हैं, रोज समाचार पत्रों में आते हैं, लिहाजा सरकार पहले इन सब की रोकथाम करे।